बीएड दी सेकेंड काउंसलिंग दी फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इहदे विच तुसी इत्थे देख सकते हो कि सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन है, कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, कैटागरी रेजिडेंस जो है तुसी देखना की है कि चेक करना है कि जे मेरी इन्फॉर्मेशन कोई गलत नहीं है, क्योंकि कल तक सीट अलाटमेंट हो जाएगी। जेकर सीट अलाटमेंट गलत हुंदी है तो नैचुरली वो डिस्क्रिपेंसी गिनी जाती है और फिर असी फसते हाँ। पर इन्नी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नैक्सट वीडियो एक बार देख लेना कि मैं थर्ड काउंसलिंग से ब्रीफ इन्फॉर्मेशन पा दाँगा कि जी ताडे लई तसली दे सकती है। कैटेगरी जो है जनरल थोड़ी जो थोड़े को सर्टिफिकेट है ये याद रखना जरूरी है, जो सर्टिफिकेट है वो ही इतने फिल होया होना चाहिए है, उस तो इलावा कुछ नहीं। जेंडर ओके है, मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट ये थोड़े रूरल वाला जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट ने डिस्क्रीपेंसी विच ईमेल करके गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इसकी करैक्शन करवा ली सी, जेकर करैक्शन नहीं हुई डिस्क्रीपेंसी फिर तुसी बेशक पा सकते हो, अदरवाइज थर्ड काउंसलिंग जाना पड़ेगा। टोटल मार्क्स बनते हैं, सो टोटल मार्क्स विच देखो 120.5 दलजीत कौर टॉप ते हजे भी ने। इस तो यह पता लगता है कि हजे भी किन्ने विद्यार्थी फस्ट काउंसलिंग विच मिले कॉलेज जां सब्जेक्ट तो सैटिस्फाई नहीं सन। अगे ग्रेजुएशन दे मार्क्स ने वो तो कि जिमें 119 119 119, सो जेकर मार्क्स जिसके ग्रेजुएशन जो ज़्यादा हाँ उसनों रैंक उपरले रखा जाता है, जेकर ये भी मैच कर जाए तो डेट ऑफ बर्थ ते जाना पैंदा है। सो टोटल देख सकते हो किन्ने बच्चे फस्ट काउंसलिंग विच जां तां डिससैटिस्फाई सी, जां ओ उन्हां नूं कोई कॉलेज अलॉट नहीं होया, जां ओ शिफ्ट करना चाहते ने। टोटल नंबर बनते हैं 9035 है, 9035। सो इट मीनस जे 40% सीट्स भरिया ने फस्ट काउंसलिंग लगभग 40% 40 तो 50% सीट्स जिहड़ियां हुण कैंडीडेट फिल करन लई अप्लाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल विच है कि 80 to 90% सीट्स फिल होने की आस है। सो जिहड़े कैंडीडेट ये सोचते हैं कि इस कैदे विच भी जे कर कोई प्रॉब्लम आती है, सीट नहीं मिलता, सब्जेक्ट सैटिस्फैक्शन वाला नहीं मिलता है ना, जो कॉलेज सैटिस्फैक्शन वाला नहीं मिलता, तो की होएगा, तो थर्ड काउंसलिंग उन्होंने होएगी जेकर तुसी एंट्रेंस टेस्ट दिता है, जेकर नहीं दिता है तो उन्होंने मैनेजमेंट कोटा होएगा। सो ये वीडियो बनाई है, इस विच इन्फॉर्मेशन चैक कर ली जाए, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रस्ते हैं, जो रस्ते हैं ऑक्सीजन मिल रही है तो फिर लंबे साह हाँ लंबे साहों का वक्रा फायदा है, असी एमरजेंसी विच रहना सीख लें। मेरे ख्याल च सब कुछ ठीक है, जो कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के थले पूछो तो मैं आंसर दे दाँगा। थैंक यू।